देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम एक बहुत ही फेमस मैंगलोरियन डिश बनाने जा रहे हैं, मटन घी रोस्ट। ये बहुत ही फ्लेवरसम डिश होता है और ये बहुत ही ईजिली बन जाता है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का जरूरत पड़ेगा हम उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 kg मटन लिया है, 1 teaspoon धनिया का पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी का पाउडर, 1/3 cup इमली जूस, 1 medium size अनियन को हमने बड़े बड़े पीसेस में कट करके लिए हुए हैं, 6 dry red chillies, 8 kashmiri red chillies, 1 tablespoon ब्लैक पेपर कॉर्न्स को हमने इस तरह से क्रश करके लिए हुए हैं, 2 inch दालचीनी, 2 जावित्री, 4 लौंग, 1 tablespoon सौंफ, 1/2 teaspoon मेथी, 1 teaspoon साबुत जीरा, 1/2 teaspoon काली सरसों, 2 inch अदरक को हमने इस तरह से कट करके लिए हुए हैं, 6-7 हमने गार्लिक लिए हुए हैं और 4 इलायची लिए हुए हैं, नमक स्वाद अनुसार, और इस डिश को हम 5 tablespoon घी में कुक करेंगे। तो चलिए मटन घी रोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बर्तन में हमें 2.5 cup जो है पानी ऐड करना है। अब गैस ऑन करेंगे और इस पानी को हमें गर्म कर लेना है। पानी गर्म हो चुका है, अब सबसे पहले इसमें ये चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे और एक एक करके जितना भी होल स्पाइसेस है उसे भी ऐड कर देंगे। अब इसे हमें हाई फ्लेम में तब तक बॉईल करना है जब तक ये जो पानी जो है 90% तक रिड्यूस हो जाए। जब तक मसाले बॉईल हो रहे, मीनवाइल चलिए कुछ और काम कर लेते हैं। अब इस समय हम मटन को कुक कर लेते हैं, तो इसे हम प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। तो प्रेशर कुकर को हमने गैस पे चढ़ा दिया, गैस बिल्कुल ऑन है। कुकर में हम ये जो घी है इसे ऐड करेंगे, 2 tablespoon हमने घी ऐड कर दिया और साथ ही साथ 1 tablespoon रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे। रिफाइन ऑयल घी के साथ इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि रिफाइन ऑयल जो है घी को जलने नहीं देगी। अब इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब इसमें ये जो कोरिएंडर पाउडर है इसे ऐड कर देंगे, टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसे स्लाइटली स्टर कर लेंगे, फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब इसमें मटन ऐड कर देंगे, अब फ्लेम बढ़ा लेंगे और मटन को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक मटन जो है हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। मीनवाइल इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार, और जैसा कि मैंने कहा था इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। इसे हमने 10 मिनट्स के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 cup पानी ऐड करेंगे, अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब कुकर का लिड लगा लेंगे, अब हमें इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में 8 whistles आने तक हमें प्रेशर कुक कर लेना है। ये जो मसाले हैं ये भी पक चुके हैं, आप देख सकते हो 90% जो पानी है वो भी रिड्यूस हो चुका है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इस मसाले को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से हमें ठंडा कर लेना है। ये मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हमें इसे ग्राइंड करना है ये टैमरिंग जूस के साथ मिक्स करके। अब ये मिक्सर ग्राइंडर के जो छोटे वाले जार है इसमें सबसे पहले ये मसाले को हम डाल रहे हैं, ये टैमरिंड जूस ऐड कर देंगे। अब इसे ग्राइंड करके हमें इसका एक स्मूथ एक पेस्ट प्रिपेयर कर लेना है। 8 whistles लग चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसके स्टीम के पूरी तरह से निकल जाने तक हमें वेट करना है। इसका स्टीम निकल चुका है, अब बहुत ही केयरफुल इसके लिड को ओपन करेंगे, थोड़ा स्टर कर लेंगे। मटन कुक हो चुका है, अब हम मटन के पीसेस को अलग कर लेंगे और ये जो ब्रॉथ जो निकला हुआ है इसे अलग कर लेंगे। आप ब्रॉथ को जो है कोई और कुकिंग में यूज कर सकते हो। अब गैस ऑन करेंगे, अब ये जो मसाला हमने जो प्रिपेयर किया है ये इसका मेन मसाला है। इसमें से 6 to 7 tablespoon मसाला हम मटन में ऐड करेंगे और रिमेनिंग जो मसाला है इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके
आप फ्रिज में रख सकते हो और बाद में इसका रियूज कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें 2-3 टेबलस्पून हम घी ऐड करेंगे और ये रिमेनिंग जो घी है इसे हम लास्ट में यूज करेंगे। अब इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम में 10-15 मिनट्स के लिए हमें फ्राई करना है। क्योंकि इस डिश का नाम ही है मटन घी रोस्ट, इसीलिए इस डिश में घी का जो यूज़ है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो घी यूज़ करते टाइम इसमें थोड़ा भी आप कंजूसी ना करें, वरना ये उतना टेस्टी नहीं बनेगा। तो इसे 10-15 मिनट्स के लिए इस तरह से हमें फ्राई करते रहना है और इसे ओकेजनली स्टर भी करते रहना है। उसके बाद ये जो मटन घी रोस्ट है बिल्कुल रेडी। इसे हमने 15 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है, ये बिल्कुल सर्व होने के लिए रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी मटन घी रोस्ट। इसे हमने गार्निश किया है कुछ जिंजर जूलियंस और कुछ लेमन स्लाइसेस के साथ। आप चाहो तो इसे इसी तरह से गार्निश कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के इक्विवेलेंट जो रिमेनिंग जो घी था इसमें इस तरह से डाल देंगे। इसे आप इसी तरह से सर्व कीजिए। आप इस डिश को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए